इस्म या कवियों के फायदे। आज हम आपको बताएंगे वो शख्स जो नसियान की बीमारी से परेशान है, यानी भूलने की बीमारी से परेशान है, जिसका जहन कमजोर है, उसे कोई चीज याद नहीं रहती है, कुछ याद करता है तो याद होती नहीं है, याद हो जाती है तो भूल जाता है। तो हम आपको बताएंगे एक बहुत ही प्यारा अमल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा सा नाम या कवियू। आप हर फर्ज नमाज के बाद सर पे हाथ रख के 11 मर्तबा इसका विर्द करें, अव्वल और आखिर में 3-3 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें हर फर्ज नमाज के बाद में। आपको 11 मर्तबा या कवियू का विर्द करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको निसियान की बीमारी से महफूज फरमाएगा। और ऐसे ही इसका एक फायदा यह भी है कि अगर तुम बीमार हो, चलने में परेशानी है, या बीमारी से ठीक होने के बाद भी कमजोरी महसूस होती है, तो आप या कवियू पढ़कर अगर पैरों में तकलीफ है तो पैरों पर हाथ फेर लें, या पानी पर दम करके मरीज को पिला दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कुव्वत अता फरमाएगा। ऐसे ही अगर आप दुश्मनों के बीच में घिर गए और कोई रास्ता आपको नजर ना आता हो वहां से निकलने का, तो आप या कवियों का विर्द करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से आपकी मदद फरमाएगा। शर्त यह है कि सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखते हुए आप इस अमल को करें। कामयाबी देना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।